पिन्नी डार्लिंग, सुनो तो, तुम्हारे लिए स्पेशली 25 रुपए का सेकंड हैंड गुलदस्ता लेकर आया हूँ और तुम वो की इसे ले ही नहीं रही हो। ना ही तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत है और ना ही ये सेकंड हैंड गुलदस्ता देने की। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा नाम लोटन बिल्कुल सही रखा है। क्यों? क्योंकि तुम वाकई लोटन हो। सॉरी ना बेबी, आइंदा से ऐसी गलती भूल कर भी नहीं होगी। तुम हर बार यही कहते हो। अरे पर आज तो सचमुच उस बेवकूफी के काम में फंस गया। कौन सा काम? सारे काम तुम्हारे डैडी करते हैं। अरे पर वो आज घर पर नहीं थे, इस वजह से इन भैंसों के साथ मुझे बुल्ला बुल्ली करनी पड़ी। ये बुल्ला बुल्ली क्या होता है? पहले गुलदस्ता पकड़ो फिर बताता हूँ। ठीक है, अब बताओ। अरे क्या बताऊं डार्लिंग, पिछले एक हफ्ते से मेरे उस भगेलू यादव का वो लंगड़ा भैंसा सुबह रोज मेरी भैंसों पर लाइन मारता है। शट अप। लंगड़ा नहीं, दिव्यांग कहो। दिव्यांग? जिसके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर या खराब होता है उसे दिव्यांग कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो आज पता नहीं कैसे मेरे उस तबेले का दरवाजा खुला रह गया और मेरी वो साथ बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत कमसीन भैंसें। क्या मैं तुम्हें भैंस जैसी दिखती हूँ? नहीं नहीं, भैंसें तुम्हारी जैसी दिखती हैं। तब ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मेरी सातों भैंसों को वो कमबख्त लंगड़ा, मेरा मतलब दिव्यांग मेरी सातों भैंसों को भगा कर ले गया और तुम उनके पीछे पीछे चल दिए। हाँ। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ भैंसे। भैंसे? क्या? मेरा मतलब तुम दोनों ना पिन्नी। अगर आज के बाद मुझे मिलने की भी कोशिश की ना तो मैं तुम्हें दिव्यांग भैंसा बना दूंगी। अरे डार्लिंग बिल्कुल बना देना, लेकिन इतनी भरी दोपहरी में हम इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा सा तो रोमांस कर ही लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ कोई भी लेके आओ। कौन सी वाली लेकर आऊं? नारियल वाली, संतरे वाली, नींबू वाली या आम वाली? नारियल वाली। बोतल से भी लोगी या फिर ग्लास भी लाऊं? ग्लास। कांच का लेकर आऊं या फिर प्लास्टिक का? कांच का। नॉर्मल लेकर आऊं या फिर आर्टिफिशियल? मैं समझ गया। रुको, कोल्ड ड्रिंक लेना कैंसिल। ओ, बियर लाऊं या फिर रम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता तो ऐसा ही है। तो बैठ जाओ चुपचाप इधर। रोमांस करने के लिए? हाँ। वेरी गुड। अरे देख रहा हूँ, कोई हमें देख तो नहीं रहा। देख रही हूँ ना मैं। अरे तुम नहीं, कोई और तो नहीं देख रहा? चिंता मत करो, कोई हाँ कोई किसी को नहीं देखता। वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। ओ माय स्वीट हार्ट, ओ माय लाल मिर्च, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरे दोनों, ओ मेरी सपनों की रानी, कब आएगी तू? ओ फो डार्लिंग, मैं रोमांस के मामले में इतना सीरियस हूँ और तुम हो कि तुम एक साल से यही बोल रहे हो, और कुछ नहीं बोल सकते क्या? और कुछ?
अरे तुम कहो तो चांद तारे तोड़ के तुम्हारे पर्स के अंदर रख दूं। बहुत पुराना डायलॉग है। पुराना? अरे तुम कहो तो मचलती हुई नदियां की धारा को मोड़ दूं, धधकती हुई आग में कूद जाऊं, या फिर कांच के नुकीले टुकड़ों पर खुशी खुशी लेट जाऊं। बहुत हो गया एक्टिंग, उठ जाओ। कैसा लगा मेरा रोमांस का स्टाइल? ऐसा रोमांस है ना शादी के बाद करना। ओफो डार्लिंग, शादी तो होती रहेगी, पहले जी भर के रोमांस तो कर लें। अगर सारा रोमांस अभी कर लोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? अब तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बात कर रही हो, और अब तुम अपने पापा की तरह लंबी लंबी फेंक रहे हो। अच्छा तो अब मैं बोलूंगा ही नहीं। और अम्मा भी नहीं बोलूंगी। काटी। वैसे मुझे तुमको एक जरूरी बात बतानी थी। और मेरे को भी एक जरूरी बात बतानी थी। अच्छा तो पहले तुम बताओ। नहीं तुम पहले। तुम तुम लेडीज फर्स्ट। मैं तो शादी के बाद बताऊंगी। अच्छा तो दीपावली पर मेरे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। और दीपावली पे मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मेरी मम्मी चाहती है कि। और मेरे पापा चाहते हैं कि। तुम्हारे पापा की जैसी की तैसी, तुम्हारी मम्मी की भी ऐसी तैसी। खबरदार जो मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोला तो। खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ बोला तो। और मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दूंगी। मैं तुम्हें फेसबुक से अनफ्रेंड कर दूंगा। जा रही हूँ मैं। थैंक यू।